हाथ से मैला उठाने, हाथ से सीवर और नाले की सफाई कराना अब देश में प्रतिबंधित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुलेआम नगर निगम इस कानून का उल्लंघन कर रहा है। वाराणसी शहर के पांडेपुर इलाके में बारिश से पहले नालियों की सफाई हो रही है और इसके लिए ठेके पर सफाई कर्मचारियों को रखा गया है। आप खुद देखिए ये लोग किन हालातों में वाराणसी को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। गटर और नालियां साफ करते मजदूरों की तस्वीर 21वीं सदी के भारत की है। ये जगह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी। ये हालत तब है जब हाथ से मैला उठाना और बिना उपकरणों की मदद से सीवर और नाले की सफाई को बैन किया जा चुका है। सेफ्टी किट तो दूर, पैर में जूते तक नहीं। ये सफाई वाराणसी नगर निगम करवा रहा है। आप लोगों को कोई सामान नहीं मिला है, उपकरण सामान निकालने के लिए कोई किट विट नहीं मिला है पहनने के लिए? नहीं। क्या नगर निगम करवा रहा है, जल निगम करवा रहा है? नगर निगम करवा रहा है। ये नगर निगम करवा रहा है, तो ये जो काम करवा रहे हैं इसका आप लोगों को कोई किट विट लोगों ने मिला नहीं सीवर में उतरने के लिए? किट नहीं मिला, कोई भी किट नहीं मिला है। पूरे बनारस में ऐसी सफाई हो रही है। और ये देखिए कुछ दिन पहले की तस्वीर। बारिश होते ही वाराणसी की गलियों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये तस्वीरें हैं 9 मई 2017 की। गटर के गंदे पानी में उतरकर ये सफाई कर्मी शहर की गंदगी दूर कर रहा है, लेकिन वाराणसी प्रशासन की आंखें बंद हैं। गटर में उतरना खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि अक्सर सफाई कर्मी गटर से निकलने वाली खतरनाक मीथेन गैस का शिकार हो जाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 7,70,000 लोग गटर और नाले साफ करने के काम में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गटर और नालों की सफाई के दौरान इनकी सेहत पर इतना बुरा असर पड़ता है कि करीब 80% लोगों की मौत 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।